Hello everyone, myself Kirti Suhag welcome you all to our YouTube channel The Learning Garden. In this video, we will complete our chapter 2 inside our earth of class 7th. I have already uploaded part 1 and part 2 of this video. Please see that video before watching this. In this video, we will learn uses of rocks and what is rock cycle. फर्स्ट डील विद यूजेज ऑफ रॉक्स रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रोक्स बहुत सारे तरीके से हमारे लिए यूजफुल हैं जो हार्ड रॉक हैं उनसे हम क्या बना सकते हैं हम रॉड्स बना सकते हैं घर बना सकते हैं बिल्डिंग बना सकते हैं और जो स्टोन्स हैं हम स्टोन को बहुत सारे गेम्स खेलते हैं ना जैसे सेवन स्टोन्स जिसे हम हिंदी में पिट्ठू बोलते हैं वी प्ले दैट गेम विद स्टोन वो भी एक रोक का ही पार्ट है हॉप स्कॉच हुआ फाइव स्टोन हुआ गिट्टी आ, कुछ और गेम्स भी खेलते होंगे अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो पहले के बहुत सारे गेम्स मिलेंगे तो कभी ट्राई करना ताकि आपको पता चले कि पहले लोग किस टाइप के गेम्स खेलते थे आपको इस फिगर के अंदर दो पिक्चर दिखाई दे रही है एक हमारा रेड फोर्ट और एक ताजमहल है रेड फोर्ट कौन से स्टोन से बना है वो बना है सैंडस्टोन से और ताजमहल बना है वाइट मार्बल से और वाइट मार्बल और सैंडस्टोन भी क्या है टाइप्स ऑफ रॉक से ओके हम अब पढ़ते हैं रॉक साइकिल क्या? क्या है रॉक साइकिल क्या है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े हमने क्या पढ़ा रॉक्स कितने टाइप्स के हैं थ्री टाइप्स के तो रॉक साइकिल में क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक टाइप का दूसरे टाइप में एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में तो क्या है जैसे इग्नियस से सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक ऐसे ही एक दूसरे में जैसे आपने छोटी क्लासेस में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा वहाँ हम क्या पढ़ते हैं वाटर की फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कभी वो सॉलिड की फॉर्म में आइस की फॉर्म में हो जाती है कभी वो वेपर्स की फॉर्म में कभी वो लिक्विड फॉर्म में ऐसे ही, ही हाँ मेगमा मेगमा मूव कर मेगमा की वजह से हमें सारी टोक्स की टाइप मिलते हैं एक दूसरे से वो ऑप्टीन होती हैं देन वी विल सी हियर कि एक टाइप की जो रोग है ना वो दूसरे टाइप में कुछ सर्टेन कंडीशंस लगा दें कुछ एक साइक्लिक मैनर में वो चेंज होती रहती है जो ये प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन रोग का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसे ही हम रोक साइकिल बोलते हैं आपने मोल्टन मैग्मा के बारे में पढ़ा है हमने क्या पढ़ा है इग्नियस रोक्स कैसे बनती हैं इग्नियस रोक्स बनती हैं जब मोल्टन मैग्मा कूल होता है और फिर वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है तो हमारी कौन सी रॉक बनती है इग्नियस रॉक्स बनती है और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं जब इग्नियस रॉक्स ब्रोक डाउन हो जाती हैं स्मॉल पीसेस के अंदर दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट टू फॉर्म अ सेडिमेंट्री रॉक्स हमने सेडिमेंट्स में यही पढ़ा था ना जब जो ये इग्नियस रॉक है ये छोटी छोटी टूट जाती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर 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 डिपोजिट हो जाती हैं तो वहाँ बनती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अंदर हीट और प्रेशर लगेगा बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगेगा तो क्या बनेगी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगी वी क्या पढ़ा था हमने मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्मेशन पढ़ी थी ना मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स जब ही बनती है जब नीचे से इनसाइड से क्या लगता है इनसाइड से बहुत सारी हीट लगती लगती है और ऊपर से क्या लगता है ऊपर से हमारा प्रेशर लगता है तो यहां जो रॉक्स बनती हैं जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो किसमें चेंज हो जाती है वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर द metamorphic rocks विच are स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर melt डाउन into form फॉर्म मोल्टन मैगमा जो ये rocks बन गई, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट लगाते रहें, लगाते रहें तो क्या होगा वो जो मेटामॉर्फिक रोक्स है ना वो मेल्ट हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे मोल्टन मैगमा के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और जो ये मोल्टन मैगमा अब हमारे पास क्या मिल गया हमें मिल गया मैगमा मोल्टन मैगमा अब मोल्टन मैगमा फिर से सोलिडिफाई होगा कूल cool करेंगे मतलब कूल cool होगा उसके बाद सॉलिडिफाई होगा फिर से क्या बन जाएंगी इग्नियस रॉक और इग्नियस रॉक से क्या बनेगा इग्नियस रॉक फिर से टूटेगी और टूटने के बाद क्या बन जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स ये सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए सेडिमेंट्स बन के उनसे सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों से अगर हम हीट और प्रेशर लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो मेटामॉर्फिक रॉक और अगर मेटामॉर्फिक रॉक पे हमने प्रेशर और ज्यादा लगा दिया तो उससे क्या होगा हमें मोल्टन मैगमा मिलेगा क्लियर ये जो साइकिल है ना जिसमें एक टाइप की रोक दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रही है एक दूसरे में कन्वर्ट कर रही है इसे ही हम रोक साइकिल बोलते हैं नेक्स्ट टॉपिक किससे बनी बनी हुई है है डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से अलग अलग मिनरल से बनी हुई है, है मिनरल्स हमने पढ़ा है जैसे सिलिकॉन है एल्यूमिनियम है बहुत सारे मिनरल्स हैं इनसे मिलके बनी है रॉक्स मिनरल्स क्या होते हैं मिनरल्स नेचुरली अक्रिंग सब्सटांसेस हैं जो कहाँ मिलते हैं जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस होती हैं मिनरल्स हमारे नेचुरली अक्रिंग सब्सटांस है जो हमें मिलते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सर्टेन मतलब ये होती हैं कि ये ऐसे कलर के होंगे अलग अलग होते हैं ना मिनरल्स और उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो डेफिनेट होता है केमिकल कंपोजिशन को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मिनरल्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं जैसे कि फ्यूल्स में हम यूज़ करते हैं क्या यूज करते हैं कॉल नेचुरल गैस पेट्रोलियम कोल नेचुरल गैस पेट्रोलियम क्या है ये ये मिनरल से ही मिनरल्स ही हैं हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं आयरन को यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम को गोल्ड को यूरेनियम को क्या है ये ये भी क्या है मिनरल्स हैं हम मेडिसिन में भी मिनरल यूज़ होते हैं और फर्टिलाइजर्स के अंदर भी यूज होते हैं वट आर मीनल्स फाउंड इन योर स्टेट अभी आपको सर्च करना है आप जिस भी स्टेट में रहते हो आपकी स्टेट में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं और उनको कलेक्ट करने की कोशिश करना और उनकी पिक्चर्स अगर मिल जाए तो उन्हें देखना उनमें आप देखोगे सब एक दूसरे से अलग है और हर आपको हर चीज में इनका यूज मिल जाएगा कोई मिनरल किसी वे से यूज़ है कोई किसी वे से है तो मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं तो इस चैप्टर के अंदर हमने रॉक्स मिनरल्स को कंप्लीटली डिटेल से पढ़ा है रॉक्स क्या हैं उसकी टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ा हमने मिनरल्स के बारे में देखा रॉक साइकिल के बारे में देखा और अर्थ के अंदर क्या है इंटीरियर ऑफ अर्थ कंप्लीट किया ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए या कोई भी एग्ज़ाम हुआ तो इसे और ध्यान से बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करना और कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल चैप्टर सो प्लीज़ रीड विद फुल कंसेंट्रेशन I hope you enjoy the video. Please like and share the video and subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you for the class.